Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और कुछ लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब्बा खैर. जो जिस कंडीशन में है उसके लिए मेरी तरफ से सलाम नमस्ते. आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, जब वो चीज किसी के साथ होती है तो आदमी खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जीनियस कब बनते हैं, लोग आपको जीनियस कब बोलते हैं, दैट यू आर ए वेरी जीनियस पर्सन. और जीनियस जो शब्द है ये बहुत बड़ा है, ऐसे ही किसी के नाम के आगे जीनियस नहीं लगता. जीनियस का मतलब होता है कि जो काम आपको आता है आप उसमें परफेक्ट हो, बहुत ऊपर हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, वो होता है जीनियस. तो आज हम समझेंगे कि जीनियस आप क्यों बनते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको जीनियस बनाता है, ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है कि नहीं बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. और इसमें दो कैटेगरी हैं, एक तो जीनियस, दूसरा सुपर जीनियस. तो दोनों कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं कि जीनियस और सुपर जीनियस आप कैसे बनते हो. चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट भी आप देख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए. तो ये है आपका लगन चार्ट. लगन चार्ट में आपको केतु और शनि की प्लेसमेंट को देखना है. केतु यानी ज्ञान, केतु यानी नॉलेज, केतु यानी इनिशियल लाइफ, जो आपका कर्म होता है इनिशियल लाइफ में या पास्ट लाइफ में, जो भी आप कर्म करके आए हो, जो भी आप नॉलेज लेके आए हो, वो केतु से देखा जाता है. तो केतु की प्लेसमेंट से ये पता चलता है कि इंसान को वो चीज बहुत ज्यादा आती है जहां पर केतु बैठता है, जिस राशि में केतु बैठता है. फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज बहुत होगी. केतु सेकेंड हाउस में है, वेल्थ एंड वैल्यू की नॉलेज बहुत होगी. थर्ड हाउस में है तो मीडिया, इंटरनेट, वाईफाई, इन सब चीजों की नॉलेज होगी. फोर्थ हाउस में है तो प्रॉपर्टी, एजुकेशन की नॉलेज होगी. फिफ्थ हाउस में है तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, उसकी नॉलेज हो सकती है, क्रिएटिव हो ना हो लेकिन नॉलेज बहुत होगी. सिक्स्थ हाउस मिनिस्ट्री सर्विस, सेवन्थ हाउस डीलिंग, एट्थ हाउस तंत्रा ऑकल्ट, नाइन्थ हाउस ज्ञान एजुकेशन, टेंथ हाउस पब्लिक ड्यूटी, इलेवेंथ हाउस नेटवर्किंग, ट्वेल्थ हाउस आध्यात्म. यहां पर केतु की प्लेसमेंट आपको यह बताएगी कि आप किस चीज में मास्टर हो, आप किस चीज में मास्टर हो. और सेम वही कहानी केतु की राशि के साथ भी है. केतु अगर एरीज में है तो समझें फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज, केतु अगर टॉरस में है तो समझें सेकंड हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज, जेमिनी में है तो समझें थर्ड हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज. तो ये नॉलेज केतु आपको देता है और आपको जीनियस बनाता है. बिकॉज केतु जो है वो आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है. केतु की प्लेसमेंट जहां पर होती है उन चीजों को आप बहुत बारीकी से समझते हो, और उन चीजों का पूर्व ज्ञान भी आपके अंदर होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप उन चीजों को करके आए हो. अब इसके साथ साथ शनि को भी हमें देखना है, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपनी कॉफी पी लेता हूं, क्योंकि गले में कुछ रहता है. तो कॉफी है बहुत अच्छी, कभी आप भी आए आप भी पिए कॉफी. तो शनि की जो प्लेसमेंट है वो ये बताती है कि किस काम के अंदर हमने मेहनत बहुत ज्यादा की है, किस काम के अंदर हमने अपनी चप्पल घिसी है, किस काम के अंदर हम धूप में घूमे हैं, ऐसा कौन सा काम है वो शनि बताता है. शनि यानी आपका कर्म. तो शनि आपका कर्म है और शनि ये दिखाता है कि किस काम के अंदर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत प्रयासों के बाद
वो काम आपको मिला, वो काम आपको समझ में आया, तो शनि भी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देता है, अच्छा और बुरा ज्ञान। लेकिन जब शनि और केतु एक साथ आ जाते हैं, जब शनि और केतु एक साथ आ जाते हैं तो आप सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी एक तो था जीनियस और आप बन जाते हैं सुपर जीनियस। एग्जाम्पल के तौर पे सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में है, सैटर्न यहां पर है, यहां पर सैटर्न बैठा है और राशि चाहे कोई भी हो, और साथ में बैठ गया केतु, तो ये माने कि फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजों के बारे में आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप मास्टर हो। अगर सैटर्न यहां पर बैठा है, साथ में बैठ गया केतु, लॉ से संबंधित चीजों की नॉलेज बहुत होगी, मिनिस्ट्री सर्विस की नॉलेज बहुत होगी, कोई भी आपसे अगर ज्ञान मांगेगा, आपसे अगर पूछेगा इन चीजों के बारे में, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होगा और आप अपने कर्म को निस्वार्थ करना चाहेंगे। तो केतु और शनि का योग जो है वो इंसान को निस्वार्थ भी बनाता है कि इंसान अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है और उसका फल उसे बहुत अच्छा मिलता है। शनि अगर 12th हाउस में है और केतु का अगर यहां से एस्पेक्ट पड़ता है, केतु अगर यहां पर बैठा हुआ है, तो ये आपको आध्यात्मिक चीजों में सफलता दिलाता है और आध्यात्म का ज्ञान आपको बहुत होता है, क्योंकि शनि आपके एफर्ट्स को दिखा रहा है और केतु यानी नॉलेज, आध्यात्म, केतु यानी मैच्योरिटी, केतु यानी आपका एक्सपीरियंस। केतु 8th हाउस में है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, मिस्टिसिज्म, उन सब चीजों की नॉलेज देता है, साथ में बैठ गया शनि, तो आपको सुपर जीनियस बना देता है इस फील्ड में। अगर ये योग आपके 3rd हाउस में बन रहा है, सैटर्न यहां पर है, साथ में केतु है, या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न के ऊपर, यहां पर केतु है, केतु यहां से देख रहा है, या यहां पर केतु है, केतु यहां सैटर्न को देख रहा है, तो मीडिया इंडस्ट्री, न्यूज एंकरिंग, कॉमर्स, इन सब फील्ड में आपकी बहुत नॉलेज होगी। चाहे आपका इंटरेस्ट हो ना हो उस काम के प्रति, क्योंकि जो चीज हमें बहुत ज्यादा आ जाती है, जैसे आप बहुत अच्छे राइटर हो और कोई राइटिंग की बात करे तो आप बोर हो जाओ, अरे यार बहुत लिख लिया मैंने, मुझे मत सुनाओ, मुझे किसी राइटर के बारे में नहीं सुनना, किसने क्या बोला है, किसने क्या लिखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं। ये दिखा रहा है आपका शनि और केतु यानी आपकी नॉलेज, आप इन चीजों से बहुत ज्यादा गुजर चुके हो, तो यही चीज आपको सुपर जीनियस बनाती है। तो अगर आपको यह समझना है कि आप किस चीज में जीनियस हो, कौन सी चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, कौन सी चीज की नॉलेज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आप अपने केतु से उस चीज को देख सकते हैं और आप अपने शनि से भी उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन शनि और केतु का योग अगर वर्ष 8 में बनता है और किसी हाउस में बनता है, तो उस हाउस से संबंधित चीजों के मामले में आप सुपर जीनियस हो जाते हैं, और जिस राशि में बनता है उस राशि से संबंधित चीजों को लेके आप सुपर जीनियस हो जाते हैं। जैसे वर्गो साइन है, वर्गो साइन में आपका सैटर्न और केतु प्लेस्ड है, वर्गो साइन में 10th हाउस में है, तो मिनिस्ट्री सर्विस की नॉलेज बहुत होगी, पब्लिक ड्यूटी के बारे में, कानून के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपकी नॉलेज बहुत होगी, आप एक बड़े कानून के ज्ञाता भी हो सकते हैं। तो ये शनि और केतु का योग वर्गो साइन में ये चीज दिखा रहा है। और अगर ये योग 9 नंबर साइन के ऊपर बनता है, 9 नंबर साइन के ऊपर बनता है, सैटर्न यहां पर बैठा है, साथ में केतु है, 9 नंबर साइन है, जैसे यहां पर 6 नंबर साइन था वर्गो साइन, या 9 नंबर साइन है, 9 नंबर साइन यानी ज्ञान, एजुकेशन, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, नॉलेज आपके अंदर बहुत होगी, क्योंकि केतु सेजी साइन में है और शनि भी वहां बैठा है, तो शनि आपके एफर्ट्स, आपके कर्म को दिखा रहा है और केतु आपकी नॉलेज को दिखा रहा है, आप कितने पारंगत हो। तो ऐसा ही कोई ज्ञान अगर आपके अंदर है, अगर आप उस ज्ञान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस मामले में आप जीनियस हैं,
कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।